સેન્શન આવતી હતી, કામ શરૂ હોતા હતા, ઉદઘાટન હોતા હોતે 25 વર્ષ 30 વર્ષ હો જાતે થે, કુછ બનતી થી કુછ રહ જાતી થી. લેકિન આજ હમ સબ લોગ દેખ રહે હૈ કે જિન પરિયોજનાઓ કા શિલાન્યાસ આદમી મોદી જી ને કિયા, વો આજ મૂર્ત રૂપ લેકર ઇસ રાષ્ટ્ર ઓર પ્રદેશ કો સમર્પિત કરને દેશ કી યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી રાજસ્થાન કે ઘર પર આ રહે. और एक दूसरा एक गंभीर विषय जिसको लेकर हम सब लोग पूरा राजस्थान चिंतित है कि जिस राजस्थान की अपनी एक मान और मर्यादा है, उस राजस्थान को कलंकित करने का काम कहीं कहीं सरकार निकम्मी सरकार के कारण हो रहा है. जो सरकार लचर कानून व्यवस्था के कारण 2018 के बाद से हम लोग देखे तो ये शुरुआत कहां से हुई, एक पत्नी पति के सामने पत्नी के साथ दुराचार हो जाए और वो मामला भी तब बाहर आता है जब वीडियो पब्लिक के बीच में आ जाता है. बाकी कहीं के लोकसभा चुनाव के कारण दबाव बनाकर उस मामले को दबाया जाता है. दलित समाज की उस महिला के साथ न्याय देने के बजाय पीड़ित के साथ अत्याचार होता है, जबकि न्याय होना चाहिए. शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी घटना है जहां उन घटनाओं में पीड़ित के साथ न्याय देने के बजाय मामले को रफा दफा करने के लिए राजस्थान की सरकार कहीं पे पीड़ित और पीड़ित परिवार के ऊपर दबाव बनाती दिखाई देती है कि कैसे भी करके मामले को रफा दफा या निपटा दिया जाए. अगर जनता और भारतीय जनता पार्टी और मामलों को जनता के बीच में और थानों पर प्रदर्शन और उनको अगवान उनको न्याय के लिए लड़ाई नहीं लड़े तो अनेक ऐसे मामले हैं जो उनको शासन और प्रशासन के दबाव में उसको दबाव में रफा दफा करने का प्रयास किया जाए. इसीलिए आज चाहे बच्ची के साथ स्कूल में दुष्कर्म हो जाता है, सड़क पर चलने वाली महिला के साथ हो जाता है, कोविड में देखा है कि अब कोविड में महिला के साथ जो भीख मांगने वाली महिला है उसको भी दरिंदों ने नहीं छोड़ा, आईसीयू में दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में दुष्कर्म हो जाता है और कोई महिला अपने हुए साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी एसीपी के द्वारा जाती है, न्याय के लिए जाती है तो वो भी रिश्वत में आश्वत मांग लेता है. तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं कहीं सरकार इन मामलों को और जवाहराम गढ़ की घटना ने सबको हिला दिया. जब एक महिला का जला हुआ शरीर देखते ही रोग काम जाती है, इसलिए सरकार को समय समय पर इनके लोगों ने भी आगाह किया. एक महिला विधायक इन्हीं की पार्टी की कहती है मैं अपने आप को सुरक्षित नहीं मांगती हूँ, जिस सरकार ने उनकी पार्टी के लोग भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं. और एक मंत्री ने तो इनको आईना दिखाया तो उनको रातों रात भगा दिया. और मैं सोचता हूं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी और इनके अनेक मंत्री दुष्कर्मी हैं, अगर नहीं इनको अपना नाटो करा एक भी माइकल आज दिन तक आगे नहीं आया तो ये मौन स्वीकृति किसको दर्शाती है.